इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर ढाका में कल रात कुछ अराजक तत्वों ने दुर्गा पंडाल में पेट्रोल बम फेंक दिया है। तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। इससे पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई। घटना पुराने ढाका के टाटी बाजार में हुई है। पेट्रोल बम फेंके जाने के बाद जोरदार धमाके की आवाज भी सुनी गई। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, बांग्लादेश में किस तरह से कट्टरपंथियों का आतंक है और बम फेंकने से दुर्गा, यहाँ पर आप देखिए दुर्गा पंडाल में, माफ कीजिएगा, यहाँ हड़कंप मच गया। तस्वीरें सामने आ रही हैं और साथ ही साथ बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि हिंदू बांग्लादेश में क्या सुरक्षित है, और अब त्योहारों को भी यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान हमलावर को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हमलावर के साथ कुछ और उपद्रवी भी मौजूद थे, जिस वजह से आरोपी हमला करने के बाद वहां से फरार होने में कामयाब रहे। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। इस वीडियो को गौर से देखिए। बांग्लादेश के ढाका में भी दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। हिंदू बड़ी धूमधाम से माता की पूजा करने में जुटे हैं, लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को ये मंजूर नहीं। दुर्गा पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस बीच कोई भीड़ में पेट्रोल बम से हमला करता है। कट्टरपंथियों की ये हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। इस शख्स को देखिए, भीड़ में इसने पहले पेट्रोल बम को फेंका, फिर दौड़ता हुआ आगे निकल जाता है। जैसे ही इस शख्स ने बम फेंका, उसके पीछे पीछे कई और लोग भागते नजर आ रहे हैं। ये घटना ढाका के टाटी बाजार इलाके की है, जब असामाजिक तत्वों ने हिंदुओं के दुर्गा पूजा पंडाल पर पेट्रोल से बम हमला किया। जानकारी के मुताबिक इस हमले के बाद अफरा तफरी मच गई और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। घटना से हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। दुर्गा पूजा से पहले भी ही इस तरह की धमकियां दी गई थी। Z News.